महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अरुण कुमार अग्रहरी की अध्यक्षता में रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के खन्नालाज में 64 सदर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी ने जनसंपर्क का शुभारंभ किया। कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी ने दुकानदारों और नागरिकों से लोकसभा चुनाव 19 मई को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किया। जनसंपर्क अभियान पुरदिलपुर से होते हुए आर्यनगर, बेनीगंज चौक, बख्शीपुर, नखास चौक होते हुए गोश कंपनी चौक पर समाप्त हुआ। जनसंपर्क अभियान में अनुप पांडे, मुचकुंद दुबे, आशीष सिंह, प्रभात चतुर्वेदी, विकास द्विवेदी, इंजीनियर अभिजीत पाठक, मुस्तफा अंसारी, सुहेल अंसारी, शैलेंद्र बल्लभ पांडे, बाल मुकुंद चतुर्वेदी, अमित कन्नौजिया, प्रदीप पासवान सहित अन्य कांग्रेसी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए सदर लोकसभा प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, गोरखपुर की यही पुकार, कांग्रेस पार्टी मधुसूदन त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद मधुसूदन त्रिपाठी, गोरखपुर की एक आवाज, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, एक आवाज मधुसूदन त्रिपाठी जिंदाबाद, गोरखपुर की एक आवाज। आप देख ही रहे हैं, एक आदमी बाहरी यहाँ लड़ रहा था, उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया और जनता ने हमको विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया है। और जनता आप मेरे साथ घूम रही है, देख रहे हैं, जनता अभिवादन कर रही है, मैं मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा हूँ, सब जगह से यही आ रहा है कि एक आदमी बाहरी है, उसको रिजेक्ट करो। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के दौर में है, उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री यूपी का होने वाला है, यूपी का आप जानते हैं हमारे ये राहुल गांधी जी हैं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में वो भी पेश कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव के, अखिलेश और मायावती प्रधानमंत्री के दौर में तो है नहीं, वहाँ तो दो ही पार्टियाँ दौड़ में हैं, या तो भाजपा या तो कांग्रेस, ये लोग तो किसी के झोली में जाएंगे, चाहे कांग्रेस के झोली में जाए चाहे भाजपा के झोली में जाए, इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं है, 10-20 सीट लेकर के प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है इन लोगों को।